हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस गुड मॉर्निंग गाइस, सरकार ने पीवी को फरमान दिया कि आचार संहिता के पहले शिक्षकों की भर्ती करवानी है, तो शिक्षकों की भर्ती की डेट भी आ चुकी है, किस तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और रूल बुक किस तारीख को आने वाली है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहा पहले शिवराज सिंह चौहान ने, कहा स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती कराई जाए। इसके चलते आनन फानन में स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के नियम मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिए। अब पीवी पे परीक्षा कराए जाने का प्रेशर है। दरअसल साफ सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा जो होनी है इसी साल कराई जानी है और पीवी विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता से लगने से पहले शिक्षकों को भी भर्ती कराए जाने के कार्यक्रम को जारी कर सकती है। पीवी ने इसी परीक्षा का महीने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर भर्ती आवेदन बुला सकती है। अगर परीक्षा कार्यक्रम जारी हो जाता तो आचार संहिता के दौरान भी परीक्षा कराई जाएगी। अब देखो, यानी आचार संहिता लगने से पहले भी एग्ज़ाम होगा, ठीक। 40,002 पर होनी है भर्ती, इसमें 15 से 20 लाख आवेदन आ सकते हैं, ये आज कहा गया। दूसरी नीच आज मध्य प्रदेश व्यापम ने अपने ट्विटर पे दी है। 7 सितंबर के दिन नाइट में जारी किया गया कि रजिस्ट्रेशन जो होना है स्टार्ट होंगे वो 20 सितंबर 2018 से होना है और ये 10 अक्टूबर तक चलेंगे। रूल बुक जो डिस्प्ले होनी है वो 18 सितंबर 2018 को। और भी जो वैकेंसी हैं उनकी भी चर्चा जल्द ही सुनने में आई। देखिए अपनी आज हुई 8 तारीख को 15 तारीख तक एक आध वैकेंसी जरूर व्यापम डालने वाला है, साथ वो पुलिस कांस्टेबल की हो सकती है या लेबर इंस्पेक्टर की। हाँ, अगर कोई शेड्यूल डाला नहीं है तो मैप आईडी का भी शेड्यूल नहीं डाला, लेकिन वैकेंसी तब भी आई थी। तो सरकार वैकेंसी आपको निकालने वाली है, आप सभी तैयार रहिए।